घर में कई लोगों ने ये भी बोला कि ये तो गांव देहात में बिकने वाली साड़ियां हैं, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि कोई ऑनलाइन मार्केट प्लेस में कोई इसको बाय करेगा। हम लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंडिया के इस कोने में भी ये प्रोडक्ट्स जा सकते हैं, साड़ियाँ यहाँ पे भी। हमारे होलसेल के कस्टमर 25, 50, 100, 150 होते थे। आज पूरा हिंदुस्तान हमारा मार्केट है। गोरखनाथ चेतन सन्स शॉप है हमारी, वो अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स बैक वो स्टार्ट हुई थी और मेरे ग्रैंडफादर ने स्टार्ट की थी उस शॉप को। मेरे दादाजी के बाद मेरे फादर ने उसको टेक ओवर किया, जो कि देशावर यानी कि अदर सिटीज़ में भी बेचना शुरू किया उन्होंने, मोस्टली महाराष्ट्र और कर्नाटक में। हम लोगों का मेनली होलसेल सेटअप है और मैन्युफैक्चरिंग कम होलसेल का। ये एक्चुअली बनारस में बहुत तरह के कपड़े और साड़ियाँ बनती हैं। हम लोग एक पर्टिकुलर कैटेगरी में स्पेशलाइज़ करते हैं, ऐसी साड़ियाँ बनाते हैं जो कि शादियों में या पार्टी वेयर में आती हैं। डिज़ाइनिंग की जो कारीगरी है वो यहाँ के कारीगरों के ही पास है, और दूसरी बात ये कि जो कलर वगैरह है वो बहुत ही बढ़िया होती है। उसके लिए ये कहा जाता है, मुझे मालूम नहीं है कि कितना सच है, कि जो गंगा का पानी है वो पानी कलर करने में यूज़ किया जाता है, उस पानी की वजह से ये ऐसा कलर आता है। जब ये पैंडमिक चल रहा था तो सभी कुछ स्टैंड स्टिल था, किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि नेक्स्ट अगले दिन क्या होने वाला है। हम लोगों का भी बिजनेस पूरी तरह ठप हो गया था, अचानक से रुक गया था। हमने इस ट्रांजिशन को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया है और हमने ये डिसाइड किया कि हम अपने ऑफलाइन जो कस्टमर बेस है हम उसको एक ट्रांजिशन करके उसमें ऑनलाइन करेंगे, और उसके लिए हमने अमेज़न को चूज़ किया विद द नेम ऑफ श्रावण्या स्टोर। नंबर संजय, हम लोगों ने भी अपने घर बैठ के जो अपनी ज़रूरतों की चीज़ें ऑनलाइन मंगाना शुरू किया इसी पेंडेमिक टाइम में। तब थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा कि ये है क्या चीज़ या इसके क्या फ़ायदे हैं। मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट जैसे जैसे सेल्स आना शुरू हुई, ग्रोथ होना शुरू हुई, तो फर्स्ट मंथ वॉज ओके, बट सेकेंड मंथ में जो हमारी फाइनल ग्रोथ रही वो एक्सेलेंट थी। मतलब फर्स्ट मंथ से आई कैन से कि लाइक 4 और 5 टाइम्स मोर। शुरू में तो खुद नहीं एक्सेप्ट नहीं किया था कि ये कैसे ये पॉसिबल है, बिना छुए बिना देखे, तो ये कैसे फ़ोटो देख करके आदमी खरीद सकता है। इसलिए काफ़ी सारे थॉट ब्लॉक्स थे, तो उसको जब धीरे धीरे हम लोग समझ पाए तो ये लगा कि नहीं, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, नए ज़माने की चीज़ है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए और इसके हिसाब से खुद का माइंडसेट, खुद को चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप इस दुनिया में आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। प्रोडक्ट्स की खासियत ये होती है कि बहुत सारे हैंडवर्क के कारीगर ऐसे हैं जो कि अपने हाथ से पूरा स्टोन लगाते हैं उस साड़ियों पर। साड़ी कारीगर के यहाँ से आती है, तो हम लोग उसको खोल के पूरा चेक करते हैं स्टार्ट से एंड तक, कोई भी डिफेक्ट ना हो उसमें। और अगर वो क्वालिटी चेक, फाइनल क्वालिटी चेक अगर वो पास कर देती है तो उस केस में हम उसको पैक करके इमीडिएटली अपनी इन्वेंट्री में ले लेते हैं और उसको डिस्पैच कर देते हैं। ये ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो बिज़नेस है, ये इसका फ्यूचर तो पक्का है और बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है। ये आगे आने वाले ज़माने की चीज़ है। इसमें पूरा हिंदुस्तान अपना मार्केट है, कहीं ना कहीं किसी न किसी को हमारे माल की ज़रूरत पड़ती है। नंबर ऑफ़ कस्टमर्स की कोई लिमिट नहीं है यहाँ पे। अभी पहले मैं बताता था ऐसे करो वैसे करो, अब ये मुझे बताता है कि पापा ऐसे करो वैसे करो।